बीपुर प्रखंड के बवनगामा गांव के वार्ड नंबर 10 में एक साथ तीन युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विनो मंडल उर्फ विंदेश्वरी मंडल के घर के आगे बने नव निर्मित 25 फीट गहरी शौचालय की टंकी में विदेश्वरी मंडल का एक बकरा 4 दिन पूर्व गिर गया था। जब शौचालय से बदबू आने लगा तो देखा कि बकरा टंकी के अंदर है। गंध आता देख विदेश्वरी का पुत्र 18 वर्षीय राजा उर्फ अजीत कुमार बकरा के शव को निकालने टंकी के अंदर गया, लेकिन टंकी के अंदर बनी जहरीली गैस के आगोश में आते ही राजा चक्कर खाकर गिर गया। उसके बाद पड़ोस के चमरू महतो का 35 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार, स्वर्गीय लक्ष्मी महतो का 25 वर्षीय पुत्र फुटिंग महतो टंकी के अंदर गया। वह भी टंकी में जाते ही मूर्छित्र हो गया। टंकी में दम घुटने से एक के बाद एक कर तीनों की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने घटना की जानकारी बीपुर वीडियो मधु कुमारी, सीओ रतनलाल, थाना अध्यक्ष सुचित कुमार को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सभी पदाधिकारी पहुंचे। प्रशासन टंकी में फंसे तीनों युवक के शरीर में रस्सी बांधकर बाहर निकाला। बीपुर पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर हुए पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। सन्मार्ग के लिए नौगछिया से संदीप की रिपोर्ट।